मैं जितेंद्र कुमार गोयल, सदर जिला पंचायत इंदारा मऊ। आज हम लोग DM साहब से मिले हैं। क्या किस संबंध में? एक पत्रक मैंने दिया है। पत्रक यह है कि जब जिला पंचायत सामान्य चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद ये व्यवस्था एक्ट में, जैसा कि किताब भी मेरे पास है, इसमें व्यवस्था है कि शपथ ग्रहण के 30 दिन के अंदर प्रथम बैठक होनी चाहिए, लेकिन 30 दिन के अंदर बैठक न होकर के 2 महीने बाद हुई। और इस एक्ट में अभी व्यवस्था है, आर्टिकल जिला पंचायत राज एक्ट में व्यवस्था है, दफा 64 और दफा 76 में, कि जो हम लोगों की बोर्ड की बैठक होगी कम से कम 2 महीने में एक बार होगी और समितियों की बैठक हर महीने में एक बार होगी। इस तरह से कुल मिलाकर के 18 बैठक एक साल में होनी चाहिए, लेकिन लगभग 3 साल पूरा होने जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर के बैठक 54 बैठक होनी चाहिए, लेकिन अब तक मात्र 5 बैठक हुई। बैठक पीछे रहस्य है कि चूंकि हम लोग कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है, तो कम से कम एक सरकार द्वारा निर्धारित मानक निर्धारित किया गया है कि हर जिला पंचायत जब बैठक में आएगा तो कम से कम उसको 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। तो कम से कम हम सभी जिला पंचायत सदस्यों को 1500 रुपये मिलता, तो जोड़ लीजिए 18 बैठक के हिसाब से हम लोगों का जो कम से कम मोबाइल का खर्च आ जाता है। कौन है कि नहीं करने दे रहे आप लोगों को? ये बैठक चेयरमैन और अपर मुख्य अधिकारी, ये सारी लाइबिलिटी उनकी है कि बैठक कराना, बैठक समुचित सूचना देना मेंबरों को, लेकिन ये लोग जानबूझकर के इस बैठक को टाल देते हैं। इस बैठक से ये भी सबसे बड़ा नुकसान है कि जनता जो हमसे जुड़ी हुई है, जनता की समस्याओं को उठाने का उस बैठक में हमको मौका मिलता है, जहां जनपद के सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। क्या लगता है क्यों बैठक नहीं हो रही है? बैठक इसलिए नहीं होती है कि चूंकि जनता की जो समस्या है हम लोग अधिकारियों के सामने न उठा सकें, इसलिए बैठक नहीं कराई जाती है कि जनता की समस्या हमारे सामने आएगी तो हमको सवाल जवाब करना पड़ेगा। क्या आश्वासन क्या मिला यहाँ से? आश्वासन DM साहब ने दिया है कि मैं CDO साहब से इसकी जांच करा रहा हूँ, जांच में अगर सही पाएगा तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम अगर यह नहीं होता है तो चूंकि हम लोग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले भी जो हम लोगों की बोर्ड की बैठक के बाद जो समितियाँ गठित होती हैं, समितियाँ एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा चयन होना चाहिए, लेकिन अपने मन माफिक समिति गठित कर लिया गया, उसको हम लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किए हैं। अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस स्थिति जनहित याचिका दाखिल करेंगे। ठीक ठीक।